हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टेक्निकल जीएसएम। तो भाई आज तीसरे दिन लगातार फिर से सुबह निकल गए हैं और आज गुरुवार की सुबह है और 8:22 हो रहा है। विक्रोली में हूँ, आप लोग को दिखा। ट्रैफिक है नहीं, लेकिन अपोजिट में ट्रैफिक स्टार्ट हो चुका है और बुकिंग्स आ रहा है, लेकिन बुकिंग्स अभी कुछ काम में नहीं आ रहा है। थोड़ी अच्छी बुकिंग्स आए तो अपन उठा लेते हैं। तो ये देखो, एक 12 किलोमीटर का साइन बजा है। अरे यार, कहाँ चले गया भाई? तो ये साइन मैंने उठा लिया फ्रेंड, तो साइन पैसेंजर को ड्रॉप करते हैं, उसके बाद देखते हैं वहां से कहां बुक। तो चलिए साइन चलते हैं रेलवे क्वार्टर्स और पैसेंजर को ड्रॉप करते हैं, उसके बाद क्या है आप लोग को बता दो। कि यही से बुकिंग था, मैंने उठा लिया और ओला उबर दोनों डिवाइस ऑनलाइन है, तो फटाक से अब पिक करता हूं भाई साहब। टैगोर नगर 1.1 किलोमीटर। फ्रेंड 12 किलोमीटर के लिए लग गए हैं 31 मिनट और जो फेयर मिला है 381 रुपया टैक्स वगैरह सब काट के। और मैं खड़ा हूं इस समय एवराड नगर चुनाभट्टी सेल कॉलोनी के पहले, जहां कल खड़ा था मैं। और बुकिंग यहाँ पे बज रहे हैं, लेकिन सब ऐसी जगह का बज रहे हैं जहाँ पे हैवी ट्रैफिक है। तो बुकिंग का डिटेल दिखाता हूँ आप लोग को कि क्या हिसाब से जो पैसा मिला है अभी। देखो ठीक है, अंधेरी लिस्ट का आप लोग देखो, ये देखो 420 रुपये अंधेरी लिस्ट, सिर्फ 10 किलोमीटर का 9 किलोमीटर का 420 रुपये देख रहे हो बनता। लेकिन ये बुकिंग फिर भी नहीं ले लिया मैंने, बुकिंग देख रहे हो बनता। ये देखो, ये बुकिंग जो मैंने लिया था फ्रेंड्स, बुकिंग रुकी नहीं रहा। ये देखो फ्रेंड्स, फिर से बुकिंग आ गई, तो बुकिंग रुकी नहीं रहा। फोर्ड का दिखा रहा है, फोर्ड का 500 के ऊपर 600 के आसपास होगा तो फोर्ड उठा लूंगा। लोअर परेल 377 10 किलोमीटर 541 रुपया। कप परेड बहुत लंबा हो जाता फ्रेंड, कप परेड का 700 रुपया फेयर होना चाहिए इस टाइम फ्रेंड। मौका नहीं मिल रहा बुकिंग दिखाने का आप लोग को तो फ्रेंड मैं आप लोग को बुकिंग कैसे दिखाऊं यार, देख रहे हो? बुकिंग कैसे दिखाऊं, हाँ जनता देख लो आप लोग। 381 रुपया 31 किलोमीटर का आप लोग देख लिए होंगे। काला घोड़ा का 488, 500 ऊपर जाने दो। ये देखो फ्रेंड, पहली बुकिंग 12 किलोमीटर 381 रुपया 31 मिनट लगा, तो एक बुकिंग कंप्लीट होता हुआ। और बुकिंग को ऐसा आप लोग देख ही रहो क्या हिसाब से बुकिंग आ रहा है। मुंबई में सेल कॉलोनी में 9:10 हो रहा है अभी टाइम, तो एक अच्छी बुकिंग मिलता है यहाँ से लेके चलता हूँ। एक रिजर्वेशन बुकिंग भी आ गई मुझे, तो देखो रिजर्वेशन बुकिंग इस तरह से आता मुझे 9:40 का 465 रुपया 11 किलोमीटर का एक बुकिंग आया हूँ मुझे। शिवाजी पार्क जाना है दादर मुझे चेंबूर से, लेकिन 10 बजे का है फ्रेंड। करता हूँ यहाँ पे एक अच्छी बुकिंग का, 5-10 मिनट के अंदर यहाँ से निकलता हूँ। कोई डीटीसी भी अच्छा अगर 300+ आता है ना, तो यहाँ से उठा लूंगा और फटाक से ड्रॉप करके फिर यहीं आ जाऊंगा जनता। तो फ्रेंड एक फोर्ड का मैंने बुकिंग उठा लिया है, चलो लेके चलता हूँ पैसेंजर को ड्रॉप करता हूँ। तो आज फ्रेंड साउथ मुंबई में पूरी तरह से अंधेरा कायम हो चुका है, शक्तिमान का कोई अता पता नहीं है, पूरे शहर में अंधेरा कायम हो चुका है। तो भैया शक्तिमान, जल्दी से आप गंगाधर को छोड़ो और शक्तिमान के वेश में आओ और यहाँ पे जो साउथ मुंबई में अंधेरा फैला है। आ गया हूँ मैं फोर्ट और खड़ा हूँ मैं देखो नेशनल लाइब्रेरी। ये नेशनल लाइब्रेरी देख रहा है आप लोग को, बहुत सी फिल्मों का यहाँ शूटिंग हुआ है फ्रेंड्स। ये है नेशनल लाइब्रेरी और मैं पीडब्ल्यू रोड पर हूँ, पैसेंजर को जस्ट ड्रॉप किया तो ये नेशनल लाइब्रेरी में हूँ और पीछे मेरे गेटवे ऑफ इंडिया है। तो मैंने जो बुकिंग लिया था फ्रेंड वो चेंबूर से लिया था फोर्ट का, और फोर्ट अभी जस्ट पैसेंजर को ड्रॉप किया हूँ और ये काला घोड़ा हरिमन सर्कल से निकल रहा हूँ। तो जो उबर ने मुझे दिया है 20-21 किलोमीटर जो भी था 545 रुपया मुझे उबर ने दिया है, और जो टाइम गया है वो आपको बाद में दिखा दूंगा। अभी गाड़ी चला रहा हूँ, टाइम कितना गया है, 1+ घंटा गया है कि कम गया है। अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 10:30 और आप लोग जब तक मुंबई के नज़ारे देखो, जब तक मैं देख लेता हूँ बुकिंग में टाइम कितना गया है फ्रेंड्स। ये है मुंबई फ्रेंड्स, सबसे एकदम जबरदस्त मुंबई का ये फोर्ट का एरिया। सुबह के टाइम सारी बुकिंग साउथ मुंबई के यहीं के ही बसते हैं, ज़्यादातर बुकिंग यहीं के बसते हैं। तो अभी यहाँ से मैं राइट वाला रोड पकड़ूंगा तो सीधा निकल जाऊंगा फ्रीवे की तरफ और सीधा वडाला जाऊंगा, क्योंकि यहाँ से बुकिंग की कोई उम्मीद नहीं है फ्रेंड। सीधा न्यू कप परेड वडाला जाऊंगा। जो टाइम लगा है 1:03 लगा है 20 किलोमीटर का फ्रेंड। तो एक बुकिंग 550, 380 यानी तुम्हारे भाई ने अभी 900 रुपए का काम कर लिया है। और आप लोग बोलते हो पहले जैसे वीडियो नहीं बनाते अब एक एक बुकिंग का, तो अब एक एक बुकिंग का मैं वीडियो आप लोग को आज बना रहा हूँ। तो ये क्या रहता है ना फ्रेंड्स, एडिटिंग वगैरह का टाइम नहीं मिलता तो एक साथ मैं कर देता हूँ और एडिटिंग में भी हो जाता है। अब अलग अलग पार्ट से मैंने वीडियो को एडिट किया तो अलग अलग एडिटिंग बहुत सारा काम जाम, तो बहुत टाइम एडिटिंग में 2 घंटे चले जाते हैं। तो चलिए और आपको नजारा दिखाते हैं, धीरे धीरे चलते हैं और बड़ा लगा भी सीन दिखाता हूँ। तो यहाँ से तो उम्मीद नहीं है फ्रेंड्स, अब यहाँ से निकलता हूँ अगर 20 मिनट में वडाला पहुंच गया, 10:30 हो रहा है, 11 बजे के पहले अगर मुझे वडाला से एक बुकिंग लग गई तो सर में बुकिंग मिल जाएगा मुझे फ्रेंड्स। ये सिग्नल जस्ट क्रॉस कर रहा हूँ तो यहाँ से राइट लूंगा मैं तो फ्रीवे के लिए, तो राइट साइड वाला रोड दिखाता हूँ आपको। कंजेस्टेड रहता है मुंबई में गाड़ी चलाना, लाल पीला टैक्सी वाले ना बहुत खतरनाक गाड़ी चलाते हैं भाई, सन निकल के कितना भी ट्रैफिक होता है, घुसाए रहते हैं भाई। एक्सपीरियंस बोला, एक्सपीरियंस काम आता है मुंबई, 20 साल से लोग टैक्सी चला रहे हैं। तो साउथ मुंबई में इसलिए भाई काले पीले की ज्यादा डिमांड वाला घुसते थे। तो ये देखो ये राइट ले लिया मैंने, ये राइट वाला रोड, ये देखो ये पीडब्ल्यू पीडी वाला रोड है, वो सीधा जाता है फ्री में, यहीं से फ्री में निकल जाता है इसी रोड से, फ्लाई ओवर से अटैच हो जाता है।
और मैं वो टाइम लगे प्लेटफॉर्म नंबर 18 आपको सीएसएम स्टेशन का भी सीन दिखाता हूं, सीन थोड़ी दिखाऊंगा बता दूंगा कि ये जगह है, तो थोड़ी देर के लिए करता हूं पॉज, तो खींचता हो जाएगी लंबी पब्लिक। फ्रेंड सीएसएमटी वाला सिग्नल मैंने क्रॉस कर लिया, अब समय आ गया है मूत्र विसर्जन का, तो मूत्र विसर्जन के लिए जगह देखो ये है, गाड़ी लगाता थोड़ा सा, ये मेरा पटाखे लगा दिया इसने, तो थोड़ा यहां मैं लगाता हूं गाड़ी, और जो ये विसंगतियां है ह्यूमंस की इसे दूर किया जाए और मूत्र विसर्जन किया जाए भाई। भाई ये तो ह्यूमन का ही तो नेचर है भाई, इसे तो बदला नहीं जा सकता। तो चलिए वॉशरूम जाता हूँ, वॉशरूम से आता हूँ, बुकिंग भी बजा चार जानता वा जानता, आगे आगे जगह खाली हो गया, लेकिन क्या घुसाया भाई, क्या घुसाया भाई बंदे ने गाड़ी। तो चलिए आते हैं उत्तर मुत्रामी। तो फ्रेंड फिर से फोर्ड से खाली आ रहा हूँ, जैसे लास्ट टाइम मैं पहले मैं फोर्ड गया था, पहले तो आपको बता दूं फोर्ड से सीधा मैं खाली आया था, कहाँ से मुझे कहीं से बीच में बुकिंग लग गई थी फ्रेंड्स, अंटॉप हिल से मुझे थाना की बुकिंग लग गई थी, 363 रुपया प्लस 45 रुपया मुझे मिला थाना। थाना जाने के बाद मैंने एक रिजर्वेशन बुकिंग एक्सेप्ट किया, लेकिन पैसेंजर के लोकेशन पे पहुंचता हूं तो उसका कैंसिलेशन फीस मिला 56 रुपया और ये फेयर मिला 363.40। थाना उसके बाद फिर रिटर्न मुझे एक फोर्ड का बुकिंग आता है दलाल स्ट्रीट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, जिसका टोल के साथ मुझे पैसा मिला है फ्रेंड, दिखा देता हूं आपको, 517 रुपया 35 किलोमीटर का मिला है फ्रेंड्स। अभी तक काम हुए 1900 रुपए का काम हो गया, गाड़ी अच्छी खासी चला लिया मैंने, गाड़ी चला लिया है 140 किलोमीटर मैंने, और अभी मैं खड़ा हूँ फिर से भक्ति पार्क आ गया हूँ मैं मोनोरेल के नीचे। अब देखता हूँ यहाँ से फोर्ड से मतलब 10 किलोमीटर में खाली आ रहा हूँ, 11 किलोमीटर फिर से यहाँ पे, अब देखता हूँ यहाँ से बचता है कि नहीं बचता है, 10-15 मिनट वेट करूंगा ना तो यहाँ से घर पे चले जाऊंगा, 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर और सही घर पे, यहाँ से घर निकलता हूँ चेंबूर फ्रेंड्स। तो दिन में यही काम है भाई, देखो आज तीसरा दिन लगातार दिन में, पहले दिन तो मैंने 2100 का किया, दूसरे दिन 17-17.5 किया, आज 1900 करके बैठा हूँ, एक बुकिंग में आस में हूँ, होता है तो होता है ना तो फिर निकल जाता हूँ, क्योंकि ज़्यादा देर अब रुक के टाइम पास करके मतलब नहीं है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड 1900 रुपये का काम करके 150 किलोमीटर मैंने गाड़ी चलाया और आ गया घर पे, समय हो रहा है भाई साहब आज ज़्यादा टाइम हो गया आज फ्रेंड, 3:27 यानी करीब आज मैं निकला था 8 बजे और 3 बजे घर पे आया, 4-3-7 8 घंटे टोटल काम किया मैंने और 8 घंटे में 1900 रुपए का काम हो गया। और अभी जो बुकिंग सारी, तो फ्रेंड्स 3 दिन मैंने गाड़ी चलाया, मेरे व्यूवर्स के कहने पे 3 दिन मैंने गाड़ी दिन में चलाया, तो भाई अब चौथे दिन तो मुश्किल है, अब कल से फिर रात के रूटीन में आएंगे। तो रही भाई फेयर की बात, तो फ्रेंड्स फेयर और दिन और रात का कंपेयर करेंगे तो फेयर रात में ज्यादा है, फेयर रात में ज्यादा है, दिन में फेयर कम है फ्रेंड्स, ये मैंने 3 दिन के देख लिया, मैंने 3 दिन गाड़ी चला के दिन में फेयर कब ज्यादा है, जब 8 से 11 के बीच में जब सर्ज प्राइस चलता है, सर्ज जब आपको सर्ज बुकिंग, मान लो आपको सर्ज बुकिंग मिल रही है या रात में भी आपको सर्ज बुकिंग मिल रही है तो बराबर ही है फ्रेंड, लेकिन जो नॉर्मल बुकिंग की बात करें दिन और रात की, तो रात वाले जो नॉर्मल बुकिंग है उसमें फेयर ज्यादा है, दिन में ऑलमोस्ट आपको 11 से 12 रुपए किलोमीटर के ऊपर हिसाब से बुकिंग मिलता है नहीं, और रात में 20 किलोमीटर का आपको 300 रुपए तक मिल जाएगा, लेकिन दिन में 20 किलोमीटर का 220 और 230 रुपए से ज्यादा नहीं मिल रहा फ्रेंड दिन में। तो इसीलिए लोग मेरे भाई कहते हैं कि ओला उबर में काम बहुत कम है, तो काम इसलिए कम है फ्रेंड्स कि दिन में जो पैसा इतना कम दे रहा है ना, और दिन में गाड़ी एवरेज भी नहीं दे रही है, हीट है इतना कि मैंने ये भी देखा कि दिन में गाड़ी का एवरेज भी कम है, और दिन में बुकिंग्स तो बहुत है, छोटे छोटे बुकिंग 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर जिसका फेयर दे रहा 100 रुपया 110 रुपया 120 रुपया, जो कि बहुत ही बेकार है भाई साहब, छोटे बुकिंग है, मिनिमम फेयर यार 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर का फेयर 200 होना चाहिए। जब मैं 2 साल पहले गाड़ी चलाता था तो ऐसा माहौल नहीं था फ्रेंड्स, 2 साल पहले 10 किलोमीटर का 200 रुपया 250 रुपया मिलता था और 15 किलोमीटर की बुकिंग का नॉर्मल फेयर 300 रुपया हुआ करता था, 20 किलोमीटर का 350 रुपया हुआ करता था नॉर्मल फेयर, सर्च की बात ही छोड़ो, मैं अपने घर से चेंबूर से मैं विरार जाया करता था, मुझे नॉर्मल फेयर 1200 रुपया मिला करता था 55-60 किलोमीटर का, आज के टाइम सर्ज में भी आएगा ना तो 800-900 रुपया नहीं मिलता है विरार का 60 किलोमीटर का, ये हाल है, इतना पता नहीं क्यों यार फेयर बढ़ना चाहिए तो समय के साथ फेयर कम कर दिया ओला उबर ने। तो चलो फ्रेंड्स देखते हैं ये इसलिए कम हुआ ना फ्रेंड, देखो मैंने बहुत आप लोग को वीडियो में समझाया कि इन ड्राइवर, मेरे इन ड्राइवर अकाउंट में मैंने रिचार्ज किया 700-800 का मेरे इन ड्राइवर अकाउंट में, लेकिन मैं इन ड्राइवर बहुत ही कम चलाता हूं, कभी कभार फंस गया रात में बुकिंग नहीं मिलता तो चला लेता हूं, नहीं तो इन ड्राइवर नहीं चलाता हूं। तो इन ड्राइवर को आप लोगों ने बहुत शुरू में चलाया और इन ड्राइवर आज उसका नतीजा है कि भाई अब ओला उबर को भी फेयर कम करना पड़ा क्योंकि मजबूरी हो गई, अगर वो फेयर नहीं कम करेंगे तो लोग इन ड्राइवर की तरफ लो फेयर जाएंगे और अपने ड्राइवर भाई वही काम करेंगे लो फेयर लो फेयर, तो इन ड्राइव एक तरह से भाई एकदम से वो भिखारियों वाला ऐप हो गया, एकदम भिखारी बना दिया ड्राइवर लोग को, तो इन ड्राइव एक तरह से कह सकते हैं कि इन ड्राइवर चलाने वाला ड्राइवर भिखारी
ऐसा भाई दिल पे मत लेना, लेकिन क्या करें, मजबूरी ऐसा है तो कहना पड़ता है। और क्योंकि इतना गंदा फेयर, उस पे भाव करो आप, उस पे मारो 20 किलोमीटर का, कोई कोई तो 160 रुपया डाल देगा, 150 रुपया डाल देगा, ऐसे ऐसे गंदे गंदे फेयर। और अपने ड्राइवर भाई जिनका ओला उबर आईडी ब्लॉक है, वो तो उठा के लेके जाएंगे, उनको कुछ भी मिलने दो, उठा के लेके जा ही रहे हैं और रेट वहां पे तोड़ के एकदम से गंदा कर रहे हैं। तो चलो जनता, जो रहा काम खत्म। 3 दिन मैंने दिल में गाड़ी चलाया, अब कल से भाई रात में ही निकलेंगे, प्लान तो पूरा यही है, रात में ही चलाएंगे, रात में एक बुकिंग उठाएंगे, लंबा सर्च में जाएंगे, सोएंगे, फिर से रिटर्न आएंगे और मचाएंगे अपना वही डेली शेड्यूल। सुबह का जो 8 से 11 वाला सर्च है वहां पे एक दो बुकिंग कर देंगे तो अच्छा खासा काम हो जाएगा, क्योंकि 3 दिन मैंने काम किया फ्रेंड, 2000 के आसपास ही बुकिंग रह गई और रात में मेरा 3000 के आसपास काम हो जाता है। हालांकि रात में मैं 12 घंटा काम करता हूं, दिन में 8 ही घंटा काम करता हूं, हो ही नहीं पाता फ्रेंड दिन में, इतनी धूप, इतनी गर्मी और इतना गंदा फेयर देख के, इतने ट्रैफिक में इतना गंदा फेयर देख के कि मन ही नहीं हो रहा बुकिंग एक्सेप्ट करने का। इसलिए घर पे आके आज भी मैं खड़ा हो गया, और घर पे कहाँ से आ रहा हूँ पता आपको, फोर्ड से, 20 किलोमीटर दूर फोर्ड से आ रहा हूँ, घूमते घूमते यहाँ पे आ गया, तब जो कोई बुकिंग्स नहीं बजा तो आके फाइनली घर पे गाड़ी पार्क कर चुका। तो चलो जनता, आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। आज का ब्लॉग कैसा था, क्या ऐसे ही वीडियो बनाया करूँ, एक साथ पूरी डिटेल दे दिया करूँ, आप लोग जरूर कमेंट में लिखना जनता, बोम्बा।